Hello everyone, welcome to GATE Academy. In today's lecture, we will be dealing the chemical parameters of water. So, our topic for today is chemical parameters of water. In the previous lecture, we started regarding the physical parameters of water, but now we understood ki kya role play karta physical parameters agar humko us water ko consume karna hai to. Similarly, chemical parameters of water mein bhi humko kya kya cheeze padhni hai jo ki important rehti hai. Agar wo cheeze water mein present ho, then how much it would be harmful to our health. Fine, aur yahan par bhi permissible limit specified hai. So first we will be dealing with total solids. टोटल सॉलिड्स. इसके बाद सेकेंडली हम बात करेंगे पीएच की. थर्ड वील बी डीलिंग विथ एल्कनिटी. फोर्थ वील बी डीलिंग विथ हार्डनेस. फिफ्थ वील बी डीलिंग विथ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स. यहाँ पर मैं हर कंपाउंड्स के बारे में आपको बताऊंगी, बट मैं यहाँ पे कैटेगराइजेशन नहीं कर रही हूँ. उसके अंदर जब हम लोग प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो उसमें हम बात करेंगे. जस्ट आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स हम लोग स्टडी करेंगे. लाइक हम लोग पढ़ेंगे किसके किसके बारे में, क्लोराइड्स के बारे में, सल्फेट्स के बारे में, नाइट्रोजन के वेरियस फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, ऐसे बहुत सारे हम लोग डिसॉल्वड ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे, बीओडी के बारे में पढ़ेंगे. इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. अगर उसमें कॉपर प्रेजेंट है, आयरन है, कितना प्रेजेंट होना चाहिए ये वाटर सैंपल में, ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे. फाइन, तो मैंने यहाँ पे टोटल सॉलिड्स, पीएच, एल्कनिटी, हार्डनेस और प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स, जो भी फ्लोरीन, क्लोराइड, सल्फेट्स, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, मैंने उसका एक कैटेगराइजेशन कर दिया प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स, उसमें हम पढ़ेंगे. तो ये बेसिकली पांच हमारे केमिकल पैरामीटर्स है जिसको हम डील करेंगे. अब फर्स्ट इसमें बात आती है टोटल सॉलिड्स की. सो प्रोसीडिंग टू द फर्स्ट वन, दैट इज टोटल सॉलिड्स. नाउ जब हम टोटल सॉलिड्स की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? अगर आप वाटर सैंपल में देखते हो कि कुछ उसमें माइन्यूट से सस्पेंडेड सॉलिड, डिजॉल्व सॉलिड्स या टोटल सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं, आप जैसे नॉर्मली आप खुद ही सोचिए, अगर आप घर में पानी पीते हो तो आप बोलते हो उसमें कुछ कचरा है. आप उस पानी को कंज्यूम करते हो क्या? नहीं. आप अगर उस पानी में ऊपर में कचरा आपको फ्लोट होते हुए दिख रहा है तो आप उस पानी को फेंक देते हो, या उतने अमाउंट ऑफ पानी जब तक वो कचरा चले जाए आप उसको फेंक देते हो. ठीक है, दैट इज एग्जैक्टली द टोटल सॉलिड्स. अब ये टोटल सॉलिड्स तो आपको समझ में आ गया, जो भी सॉलिड्स आपके वाटर सैंपल में प्रेजेंट है. अब इस टोटल सॉलिड्स का कुछ मेजरमेंट भी तो पता होना चाहिए कि कितना अमाउंट में टोटल सॉलिड्स परमिसिबल लिमिट में रिक्वायर्ड है और इसको मेजर कैसे करते हैं. तो देखते हैं, पहले क्या होता है, आप एक काम करो, आप एक W1 वेट ले लो बीकर का. ठीक है, सिर्फ बीकर, उसमें कुछ भी नहीं डाला है. फाइन, अब आपने क्या किया, इस बीकर में आपने वाटर डाला. कितना VML का आपने वाटर डाला, VML ऑफ वाटर सैंपल. फाइन, अब आपने पहले तो बीकर का इनिशियल वेट W1 ले लिया, फिर आपने इसमें वाटर सैंपल डाला और आपने इसको हीट किया. कितने रेट में? एट द रेट 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पर फॉर 5 to 6 आवर्स आपने इसको हीट किया, या आप बोल सकते हो इनक्यूबेट किया. फाइन, इसके बाद आपने क्या किया, इसका मेजरमेंट लिया W2. यहाँ पे कोई फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रेजेंट हो जाएंगे, W2. अब अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल सॉलिड्स कंसेंट्रेशन कितना था, क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं गेट में, आपसे बोल दिया जाएगा इनिशियल वेट ऑफ द बीकर आपको दिया हुआ है, VML ऑफ वाटर सैंपल की जगह आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी कि कितने ML ऑफ वाटर सैंपल डाला गया था इस बीकर में एट द रेट 105 से 110 डिग्री सेल्सियस 5 से 6 घंटे के लिए. उसके बाद जब आपने इसको ड्राई कर दिया, वाटर पूरा इवेपोरेट हो गया, तो W2 आपको वेट मिला. इस कंडीशन में टोटल सॉलिड्स कितना प्रेजेंट होगा? सो टोटल सॉलिड्स जो होगा विल बी गिवन बाय, हमको तो सॉलिड्स का कंटेंट चाहिए, मतलब हमको बीकर का वेट तो नहीं चाहिए. तो ये क्या था, बीकर प्लस सॉलिड्स,
और ये क्या था, सिर्फ बीकर. सो डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन से हमको सॉलिड्स मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय वी. वी क्या है, वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल डाला था. अब आपको पता है डब्ल्यू टू जो वेट होगा वो एम जी में होगा और जो वॉल्यूम होगा वो लीटर में होगा. तो हम क्या बोल सकते हैं, जो यूनिट होती है टोटल सॉलिड की वो किस में होती है, एम जी पर लीटर में, या मेजरमेंट हम जो बोलते हैं, मेजरमेंट जो हम करते हैं टोटल सॉलिड्स की वो किस में करेंगे, अब मेजरमेंट वो किस में करेंगे हम, एम जी पर लीटर में. एम जी पर लीटर बोलो या पी पी एम बोलो, दैट इज वन ऑफ द सेम थिंग. दिस इज द टोटल सॉलिड्स. अब टोटल सॉलिड्स आपको पता चल गया, पर टोटल सॉलिड्स के अलावा भी अगर आप टोटल सॉलिड्स को देखो तो टोटल सॉलिड्स दो चीज़ों को मिला के बनता है. एक होता है हमारा सस्पेंडेड सॉलिड्स और दूसरा होता है डिजॉल्व सॉलिड्स. सो टोटल सॉलिड्स इज इक्वल टू सस्पेंडेड सॉलिड्स प्लस डिजॉल्व सॉलिड्स. फाइन, अब हमको टोटल सॉलिड्स कंटेंट तो मिल गया है और हमसे पूछ और हमको एक वैल्यू और मिल जाए अगर इन तीन क्वांटिटीज में से, तो दो वैल्यू मिल जाएगी तो हम थर्ड क्वांटिटी निकालेंगे. तो सस्पेंडेड सॉलिड्स निकालना हमारे लिए इजी होता है. तो नेक्स्ट वील बी फाइंडिंग आउट द सस्पेंडेड सॉलिड्स. सस्पेंडेड सॉलिड्स, अब सस्पेंडेड सॉलिड्स निकालने के लिए आपने सुना होगा एक नाम, वॉटमैन फिल्टर पेपर. आप एक नॉर्मल भी फिल्टर पेपर लीजिए, ठीक है, मैं यहाँ पर एक फिल्टर पेपर बनाती हूँ. एक फिल्टर पेपर लीजिए. फिल्टर पेपर क्यों, क्योंकि उसमें बहुत ही माइन्यूट पोर्स होते हैं जिससे जो स्मॉलेस्ट साइज़ के पार्टिकल्स हैं वो भी इसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएंगे और वो नीचे वाटर सैंपल में नहीं जा पाएंगे. फाइन, तो ये बहुत ही इसके स्मॉल स्मॉल साइजेस रहते हैं फिल्टर पेपर के. ये मैं जल्दी बना रही हूँ इसलिए प्रॉपरली नहीं बन रहा है, बट आप देख लीजिएगा, ये ऐसा एक फिल्टर पेपर रहता है. फाइन, अब इसमें क्या होता है, आपने पहले इनिशियल वेट ले लिया फिल्टर पेपर का. लेट्स टेक इनिशियल वेट ऑफ फिल्टर पेपर. आपने फिल्टर पेपर का इनिशियल वेट ले लिया, जो भी उसका वेट हो, लेट्स अज्यूम डब्ल्यू वन. अब क्या किया आपने, उसमें जो पानी डाला, पानी जो भी सैंपल है जिसका आपको टेस्ट करना था कि उसमें कितना सस्पेंडेड सॉलिड्स है, आपने क्या किया, वो पानी डाल दिया. यहाँ पे आपने मान के चलो वी एम एल ऑफ वाटर सैंपल आपने डाल दिया. अब इससे क्या हुआ, फिल्टर पेपर गीला हो गया क्योंकि आपने तो वाटर सैंपल डाला ना. आपको क्या करना है, उस वाटर सैंपल का पानी जब फिल्टर पेपर में डल गया है आपको उसको फिर इंक्यूबेट कर देना है वैसे ही 105-110 डिग्री सेल्सियस पे, या तो आप उसको नॉर्मली ड्राई कर दो. आफ्टर ड्राइंग जो वेट होगा फिल्टर पेपर का, आफ्टर ड्राइंग क्या होगा, फिल्टर पेपर का भी वेट होगा प्लस सस्पेंडेड सॉलिड्स का भी वेट होगा, क्योंकि अब तो हमने उसमें वाटर पोर कर दिया था तो नॉर्मली उसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स तो रिसाइड कर गए. वेट ऑफ फिल्टर पेपर प्लस सस्पेंडेड सॉलिड्स, ये कितना हो जाएगा, डब्ल्यू टू. अगर अब हमसे पूछा जाए सस्पेंडेड सॉलिड्स कितने प्रेजेंट होंगे, डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन अपॉन में वी. ये कब होगा, क्योंकि आपको ये बात याद रखना, इवेपोरेशन टेस्ट बोलते हैं जब हम टोटल सॉलिड्स की बात करते हैं. आप उसको सिंपल इवेपोरेट कर दो या उसको आप ओवन में 105 से 110 डिग्री सेल्सियस रखो, वो टोटल सॉलिड्स के लिए करते हैं. पर फिल्टर पेपर का यूज़ किसके लिए करते हैं हम लोग, सस्पेंडेड सॉलिड्स के लिए. तो यहाँ से हमको सस्पेंडेड सॉलिड्स मिल गया, टोटल सॉलिड्स मिल गया, सस्पेंडेड सॉलिड्स मिल गया, तो हम डिजॉल्व सॉलिड्स निकाल सकते हैं. अब डिजॉल्व सॉलिड्स कैसे निकालेंगे, डिजॉल्व सॉलिड्स इज इक्वल टू टोटल सॉलिड्स माइनस सस्पेंडेड सॉलिड्स. इससे हमको, क्योंकि हमें तीन में से दो क्वांटिटी पता चल गई है, सो वी कैन फाइंड आउट द थर्ड क्वांटिटी, दैट इज द डिजॉल्व सॉलिड्स विच इज प्रेजेंट. फाइन,
अब बात आती है, आपको पता चल गया टोटल सॉलिड्स कितना है, डिजॉल्व सॉलिड्स कितना है, सस्पेंडेड सॉलिड्स कितना है। अब हमारी बात आती है कि इसकी परमिसेबल लिमिट कितनी है। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड परमिसेबल लिमिट जो होती है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स वो होती है 500 से 1000 ppm तक की। कितनी? 500 टू 1000 ppm तक के बीच में टोटल सॉलिड्स की वैल्यू रहना चाहिए। ये आपको याद करना है, मैच द फॉलोइंग्स में आपसे पूछ सकते हैं। फाइन, सो दिस वी हैव डेल्ट अप विद द टोटल सॉलिड्स पार्ट। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द पीएच पार्ट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, दैट इज पीएच। व्हाट इज दिस पीएच? नाउ पीएच इज द लॉगरिथमिक ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, फाइन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपने लिख लिया। अगर आपको हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन चाहिए तो आप लिख सकते हो पी ओ एच माइनस लॉग बेस 10 ओ एच माइनस। आपको इसमें ये चीज़ पता रहना चाहिए कि ये जो एच प्लस का कंसेंट्रेशन है इसकी यूनिट क्या होगी। इसको हम बोल रहे हैं हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। ये कंसेंट्रेशन किस में रिक्वायर्ड है हमें? मोल्स पर लीटर में, इन मोल्स पर लीटर। सिमिलरली हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन भी हमको किस में रिक्वायर्ड है? ओ एच माइनस आयन का हाइड्रोक्सिल आयन, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन। सॉरी, हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। फाइन, अब आप देखो क्योंकि आप ये नेगेटिव लॉगरिथम में है, इसका मतलब है जब एच प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा पी एच वैल्यू कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर एच प्लस का कंसेंट्रेशन कम होगा तो पी एच वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ये होता है हमारा एसिडिटी डिटेक्ट करने के लिए। उसके बाद इसका एक रिलेशन होता है पी एच प्लस पी ओ एच गिव्स यू 14। कभी कभी क्वेश्चन में आपको पी एच दिया रहता है और आपसे पी ओ एच पूछा जाएगा, तो आप सिंपली इस रिलेशन से निकाल सकते हो। इसके अलावा एक और हमारे पास सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, अगर आपको एच प्लस कंसेंट्रेशन दिया हुआ है और ओ एच माइनस का कंसेंट्रेशन पता है और आपको ये वाला रिलेशन पता है, तो आप क्या करोगे? पहले एच प्लस से पी एच निकालोगे, पी एच से आप पी ओ एच निकालोगे और पी ओ एच से आप ओ एच माइनस निकालोगे। इससे बेटर तरीका है कि आप ये वाला फॉर्मूला पढ़ लो, एच प्लस इंटू ओ एच माइनस 10^-14। ये एक फॉर्मूला, अगर आपको एच प्लस कंसेंट्रेशन दिया तो आप ओ एच माइनस का कंसेंट्रेशन डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो ये तो हमारे फॉर्मूलेज हो गए जो पी एच में हम यूज़ करते हैं पी एच निकालने के लिए। अब पी एच से आपको पता क्या चलता है? तो पी एच से आपको क्या पता चलता है, अगर आपको पी एच दिया है किसी सैम्पल का तो उससे आपको दो चीज़ें पता चल सकती है, या तो उससे एसिडिटी पता चलती है कितना एसिड है, या तो फिर उसकी एल्किनिटी पता चलती है। फाइन, एल्किनिटी तो अभी हम इसके बाद डील करेंगे, तो मैं अभी एल्किनिटी पर फोकस नहीं कर रही हूँ। जब थर्ड पॉइंट हम लोग जब डील करेंगे आफ्टर पीएच, तब मैं एल्किनिटी के बारे में बताऊंगी। अगर हम बोलते पीएच जनरली अगर लेस देन 4 होता है, पीएच जनरली जब लेस देन 4 होता है तो हमको वाटर से एक सॉर टेस्ट आता है, सॉर टेस्ट आता है। सिमिलरली जब पीएच ज़्यादा होता है, अराउंड ग्रेटर देन 6 या ग्रेटर देन 8 आप बोल सकते हो, पीएच ग्रेटर देन 8 मान लो, तो आपको एक बिटर टेस्ट आता है। फाइन,
पर कभी आपने सोचा है कि हमको ऐसा क्यों होता है? आप बताइए मुझे इसका रीज़न कि क्यों कभी कभी ऐसा होता है कि हमको जो पीएच की वैल्यू होती है वो 4 के अराउंड होती है तो हमको 100 टेस्ट आने लगता है, क्योंकि ये वाटर का पीएच है। नॉर्मली अभी हम वाटर को डील करें तो हम वाटर के बारे में ही बोल रहे हैं। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि उसमें एच प्लस कंसेंट्रेशन का फ्लक्चुएशन होता है। फाइन, तो हमको एक पीएच नॉर्मली पता होना चाहिए कि उस पीएच के रेंज का वाटर हम पी सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, जब आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी स्कूल में, कि आपके पास एक पीएच स्केल होता था 0 से 14 तक का, बीच में 7 जो आपका मिड होता था। तो आप क्या बोलते थे, अगर पीएच की वैल्यू 0 से 7 है तो वो एसिडिक है, अगर पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल है, और अगर 7 से 14 है पीएच की वैल्यू तो वो बेसिक है। हमने यही पढ़ा था। पर आप ये सोचो कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 7 वाटर की पीएच मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। फाइन, अगर पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 4 है या 4 से कोई भी वैल्यू है, ये जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि जनरली पीएच अगर लेस देन 4 होता है तो 100 टेस्ट होता है, 4 से ज़्यादा कोई भी वैल्यूज हो जाती है जिसमें एल्किनिटी ज़्यादा प्रेजेंट होती है तो बिटर टेस्ट होता है। फाइन, अब अगर मैंने ये बात की आपको 0 से 14 तक के स्केल में, तो मैंने आपसे कहा कि पीएच 7 हम लोग बोलते हैं वैसे कि वाटर एक न्यूट्रल एलिमेंट है। फाइन, या उसको बोलते हैं कंपाउंड है। तो पीएच 7 अचीव करना वाटर जो आपके घरों में आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा मींस इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि हमेशा आप पीएच 7 मेंटेन नहीं कर सकते हो। इसीलिए एज पर इंडियन स्टैंडर्ड हमको इसकी परमिसिबल लिमिट स्पेसिफाई कर दी गई है, परमिसिबल लिमिट स्पेसिफाई कर दी है कि आप इस रेंज के पीएच में वाटर कंज्यूम कर सकते हो। तो जो रेंज है इसका ये होता है 6.6 to 8.5, ये जो है हमारी रेंज है, परमिसिबल लिमिट है पीएच की, जो हम ड्रिंकिंग वाटर में यूज़ करते हैं। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको क्या होगा, एक्चुअल में बहुत सारे अलग अलग परमिसिबल लिमिट्स दे देंगे और आपको एक साइड में कंपाउंड्स दे देंगे, तो आपको मैच करना होगा। इसीलिए आपको याद रखना ज़रूरी है। देखिए, अगर यहाँ पे मैं बोल रही हूँ 6.6 से 8.5, अगर हमने बात की थी अभी ओडर में, तो मैंने बोला था ऑस्मोस्कोप में 1 से 3 रहेगा, तो कंपाउंड्स के एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, तो आपको ये याद रखना ज़रूरी है। परमिसिबल लिमिट 6.6 से 8.5 होती है। अब हम बात करें कि पीएच को मेजर कैसे कर सकते हैं। तो पीएच मेजरमेंट हम कर सकते हैं, पीएच मेजरमेंट इज डन बाय पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम पीएच का मेजरमेंट कर सकते हैं। फाइन, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है, आपको नॉर्मली सिर्फ रिलेशंस याद रखना और कुछ टर्मिनोलॉजीज और आपको पता चलेगा। जैसे पीएच मेजरमेंट पोटेंशियोमीटर से करते हैं, आपको इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, एच प्लस आयन जो होता है, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन तो होता है, पर किस में, mg पर लीटर में, ppm में नहीं, ये होता मोल्स पर लीटर में। आपको याद रखना, हम क्वेश्चंस भी करेंगे, बट कभी कभी आपको क्वेश्चन में मिली मोल्स पर लीटर भी दे दिया जाएगा, तो आपको ज़रूर से याद रखना है कि एच प्लस मिली मोल्स पर लीटर में नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ मोल्स पर लीटर में होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। एसिडिटी, अगर आप मान के चलिए आपके में एच प्लस आयन का जो कंसेंट्रेशन है वाटर में कम है, तो ऑब्वियसली एच प्लस आयन का कंसेंट्रेशन आपके पास ज़्यादा है, मतलब पीएच वैल्यू जो है उसकी कम है। लाइक आई विल टेल यू, अगर आपका एच प्लस कंसेंट्रेशन ज़्यादा है तो आपकी पीएच वैल्यू कम है, यानी कि जो वाटर है वो एसिडिक है। और अगर आप उस एसिडिक वाटर को कंज्यूम करते हो, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, 0 से 7 एसिडिक है, और बोला है कि 6.6 तक अगर आप पियोगे तो कुछ नहीं होगा, पर मान के चलो आपका जो वाटर है उसका पीएच तो 4 है 3 है, आप उस पानी को पियोगे तो क्या होगा, नॉर्मली उस पानी से एसिडिटी, एज द नेम सजेस्ट, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाएगी, सिमिलरली अगर किसी पाइपलाइंस के थ्रू ही पानी आपके घरों में आएगा, और उस पाइपलाइन में जिसमें वाटर पाइपलाइन जो डिज़ाइन है उसमें जो वाटर जा रहा है वो एसिडिक रेंज का है, तो इससे क्या होगा, पाइपलाइन में कोरोजन आ जाएगा, तो इसके साथ ही क्या होगा, कोरोजन ऑफ पाइपलाइन।
पाइपलाइंस में कोरोशन आ जाएगा। तो आपको एल्किनिटी से क्या होगा वो तो मैं आपको बताऊंगी जब हम लोग एल्किनिटी पार्ट डिस्कस करेंगे। अभी आपको बस इतना सब चीज़ें पता रहनी चाहिए, आप इसे जॉट डाउन भी कर सकते हैं। आई रिपीट इट वन सेकेंड, बट बिफोर दैट एक चीज़ आपको बता दूँ कि पीएच हमने मेजरमेंट किया विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर से, ठीक है। पर कभी कभी आप पीएच को कलर इंडिकेटर से भी मेजर कर सकते हो। आपको पता कैसे चलेगा कि कोई वाटर एसिडिक है या कोई वाटर बेसिक है? ये पता करने के लिए कभी कभी हम लोग इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। एक होता है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर और एक होता है फिनोफ्थलीन इंडिकेटर, फाइन। तो यहाँ पर मैंने इंडिकेटर का चार्ट बनाया हुआ है जिसे आप देख सकते हो कि कब कौन सा वर्क करता है। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जो है वो रेंज होती है उसकी 2.8 से 4.4, और जो ओरिजिनल कलर होता है उसका रेड, बाद में ये कलर चेंज करके बन जाता है येलो। सिमिलरली जो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर होता है इसकी पीएच रेंज होती है 8.6 से 10.3, ये इनिशियली इसका कलर येलो होता है और बाद में ये रेड कलर में चेंज हो जाता है, फाइन। तो कभी कभी हम लोग इन इंडिकेटर्स की हेल्प से पता कर लेते हैं कि हमारा एसिडिक रेंज का है वाटर कि बेसिक रेंज का है, ठीक है। तो मैंने ये जो पॉइंट्स लिखे थे आप इसको एक बार देख लीजिए, इसको नोट मत कीजिएगा, ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा था। ये डेटा वेरी हो सकता है बट मेन है आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, दिस वन दीज फोर रिलेशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। डायरेक्टली वो आपसे पीएच निकालने नहीं बोलेगा, वो आपको एच प्लस ओएच माइनस कंसेंट्रेशन दे देगा और फिर वो आपसे पीएच पूछेगा। तो उससे क्या होगा, आप ओएच माइनस का कंसेंट्रेशन दिया, आप एच प्लस निकालो, एच प्लस को यहाँ फॉर्मूले में पुट करो, आपको पीएच मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बीट फॉर वन मार्क्स ऑल्सो, और या तो फिर वो आपको ट्विस्ट कर देगा, मोल्स पर लीटर की जगह आपको मॉलिकुलर वेट दे देगा, ठीक है, और वैलेंसी दे देगा, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। उस तरीके से भी क्वेश्चंस को वो घुमा सकते हैं वन मार्क्स के लिए। और उसके बाद तो आपको पता है कि एसिडिटी, हाँ इसकी रेंज मैंने अभी आपको बताया था, मैच द फॉलोइंग में यूज़ हो जाएगी। एसिडिटी से क्या चीज़ें हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक होती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती है ह्यूमन बींग्स में, कोरोजन होता है पाइपलाइंस में, फाइन। तो ये हमारा था पीएच पार्ट, नेक्स्ट वील बी डीलिंग विद एल्कलिनिटी। Now we have discussed the total solids and the pH. Now we will be discussing the alkalinity. Third is the alkalinity. Now what does this alkalinity means? Alkalinity is the quantity of ions which is present in water that will neutralize the hydrogen ions. Matlab जो क्वांटिटी होती है आयंस की एक वाटर सैंपल में, जो भी आयंस प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूट्रलाइज कर देते हैं हाइड्रोजन आयंस को, जो न्यूट्रलाइज कर देते हैं एच प्लस आयंस को, उसको बोलते हैं हम एल्किनिटी, फाइन। ये क्या करता है, एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, वो होता है हमारी एल्किनिटी। अभी आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि आई विल मेक यू राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स व्हिच आई एम डिस्कसिंग नाउ, फाइन। सो अब तो ये पता चल गया कि एल्किनिटी ये होती है, पर एल्किनिटी होती किसके कारण है, कौन कौन से केमिकल्स या कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिसके कारण एल्किनिटी होती है। सो एल्किनिटी जो बेसिकली होती है वो होती है CO3-, HCO3- और OH-। एल्किनिटी इन तीनों के कारण बेसिकली प्रेजेंट होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जैसे HSiO2-, HPO4-, इन सब कंपाउंड्स के कारण भी एल्किनिटी होती है, बट वो माइनर सोर्सेज होते हैं। अगर हम मेजर सोर्सेज की बात करें तो मेजर सोर्सेज हमारे ये होते हैं जिनके कारण एल्किनिटी होती है। फर्स्ट थिंग आपको ये याद रखनी है क्योंकि ये आपसे पूछ सकते हैं कि बेसिकली वन मार्क्स में आज टेक द करेक्ट आंसर्स सॉर्ट ऑफ में कि एल्किनिटी किसके कारण प्रोड्यूस होती है। इसके बाद हम हार्डनेस भी डील करेंगे तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना कि हार्डनेस किसके कारण होती है और एल्किनिटी किसके कारण होती है, फर्स्ट थिंग। अब ज़रूरी नहीं कोई भी वाटर सैंपल में ये तीनों एल्किनिटी प्रेजेंट हो सकता है सिर्फ CO3-, हो या HCO3- हो या OH- हो, या हो सकता है कि ये 2-2 के पेयर में प्रेजेंट हो, फाइन। तो अगर सिर्फ किसी भी वाटर सैंपल में सिर्फ CO3-, की एल्किनिटी प्रेजेंट होती है तो हम उसको बोलते हैं कार्बोनेट एल्किनिटी। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर भी किसी भी वाटर सैंपल में CO3-, की एल्किनिटी प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं कार्बोनेट एल्किनिटी। इसी के साथ अगर OH- की एल्किनिटी प्रेजेंट होती है तो हम उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल या कॉस्टिक एल्किनिटी। सिमिलरली अगर HCO3- की प्रेजेंट रहते हैं तो हम इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट एल्किनिटी। तो ये नाम होते हैं कार्बोनेट एल्किनिटी, बाइकार्बोनेट एल्किनिटी और कॉस्टिक एल्किनिटी। ये जो हमारे मेजर सोर्सेज होते हैं एल्किनिटी के। अब इसके बाद आप ये भी जान लीजिए
कि अगर एल्किनिटी किसी भी वाटर सैंपल में प्रेजेंट है तो इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है. अगर एल्किनिटी किसी भी वाटर सैंपल में प्रेजेंट है तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है. अगर जैसे हमने एसिड्स की बात की थी इससे पहले पीएच में, वैसे अगर एल्किनिटी किसी भी वाटर सैंपल में प्रेजेंट है तो इंक्रस्टेशन ऑफ पाइपलाइंस हो जाता है. इंक्रस्टेशन ऑफ पाइपलाइंस, इसका मतलब ये होता है कि जो पाइपलाइन थी उसमें फॉर्मेशन ऑफ वाइट डिपॉजिट्स हो जाते हैं. इंक्रस्टेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ, आप याद रख लीजिए बेटर है, कि कुछ डिपॉजिट्स हो जाते हैं. फॉर्मेशन ऑफ वाइट डिपॉजिट्स. अब आप देखिए, आपका कोई भी वाटर सैंपल है अगर वो किसी पाइपलाइन के थ्रू ही आपके घरों में सप्लाई होगा और उसमें जो उसका पीएच रेंज है वो अल्कलाइन नेचर का, मतलब 7 से ज़्यादा है बट वो हाईली अल्कलाइन है, तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो पाइपलाइन है, जैसे आपकी जो सर्कुलर पाइपलाइन जनरली हम यूज़ करते हैं, उसमें वाइट डिपॉजिट्स फॉर्म हो जाएंगे. तो जिससे क्या होगा, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा पाइपलाइन का वो कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, वाइट डिपॉजिट्स फॉर्म हो गए. तो जनरली जो लाइफ रहती है पाइपलाइन की वो कम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि जो हमारा वाटर है वो अल्कलाइन नेचर का है जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ वाइट डिपॉजिट्स हो जाते हैं. फाइन, ये चीज़ें तो हमको पता चल गई कि अल्कलिनिटी से पाइपलाइंस डैमेज हो जाती है, उसमें वाइट डिपॉजिट्स फॉर्म हो जाते हैं. अल्कलिनिटी होती क्यों है, ठीक है, मतलब किसकी वजह से होती है. बट हमको, आपने कभी सोचा है कि हमको ये कंपाउंड्स कैसे मिलेंगे, CO32- HCO3- OH- ये कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं. अगर कभी भी वाटर में कोई मिनरल्स प्रेजेंट हो या कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो तो उसके सब्सिक्वेंट रिएक्शन से हमको ये कंपाउंड्स मिलते हैं. लाइक आई विल शो यू, अगर कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है H2CO3. फाइन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. ये H2CO3 फिर रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है H+ + CO3 2-. ठीक है, उस यहाँ पे सेकेंड स्टेप में ये फॉर्म कर लेगा HCO3-. फाइन, अब ये HCO3- फिर रिएक्ट करेगा, ये इसके सब्सिक्वेंट रिएक्शंस हैं H+ + CO3 2-. फिर से ये जो CO3 2- है ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और ये फॉर्म कर लेगा OH- + जो भी इसके कंपाउंड्स आएंगे. तो आपने क्या देखा पहले, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में प्रेजेंट है तो उसके सब्सिक्वेंट रिएक्शन से हमको पहले मिला बाइकार्बोनेट एल्किनिटी, फिर बाइकार्बोनेट एल्किनिटी के रिएक्शन से हमको मिला कार्बोनेट एल्किनिटी, फिर कार्बोनेट एल्किनिटी के रिएक्शन से हमको मिला कॉस्टिक एल्किनिटी. तो आपने देखा कि कैसे वाटर सैंपल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो हमको तीनों टाइप की एल्किनिटी मिल जाती है. फाइन, अब बात आती है एल्किनिटी, हमको पता है वाटर में है, उसमें कंसनट्रेशन है CO3 2- का, HCO3- का, OH- का, पर हमको इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे पता चलेगी. फाइन, ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है. तो एल्किनिटी को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. अब इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 11th-12th की केमिस्ट्री में एक टर्म इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट करके आपने एक टर्म पढ़ा होगा. इसको कैसे हम फाइंड आउट करते थे, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उस एलिमेंट का या उस कंपाउंड का अपॉन में उसकी वैलेंसी, ये हमको बताता है उसका इक्विवेलेंट वेट. तो हम यहाँ पे हमको किसी ना किसी के टर्म में एल्किनिटी मेजर करनी है. तो एल्किनिटी हम, क्योंकि बहुत सारे वेरियस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं, इसीलिए हम लोग एल्किनिटी जो है वो मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. अब कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट भी पता करना इंपॉर्टेंट है, तो इस फॉर्मूले से कि उसका मॉलिक्यूलर वेट और उसकी वैलेंसी से हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का. सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का वेट होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, और जो इसकी वैलेंसी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की वो होती है 2. तो ये टोटल हो जाएगा 100 / 2.
तो जो मॉलिकुलर वेट आता है, इक्वलेंट वेट आता है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो कितना होता है 50। अब अगर हमको इक्वलेंट वेट कैल्शियम कार्बोनेट का पता है तो हमको इक्वलेंट वेट पता होना चाहिए HCO3- का, CO32- का और OH- का। तो हम उनके भी इक्वलेंट वेट्स निकाल लेते हैं। इक्वलेंट वेट ऑफ CO32-, कार्बन का मॉलिकुलर वेट कितना होता है 12। इसके बाद से आपको याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो 2 मार्क्स के गेट में पूछे जाते हैं वहाँ पर आप यहाँ बैठ के इक्वलेंट वेट नहीं कैलकुलेट करते रहेंगे। ऑल दो आपको उनके मॉलिकुलर वेट्स पता है, बट बेटर है कि आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब तक आपको याद हो जाने चाहिए कि इनके इक्वलेंट वेट्स क्या है, एज इट विल सेव योर टाइम। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। अब इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी अगर आप देख सकते हो, इसकी वैलेंसी है 2। इसका मतलब अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो क्या हो जाएगा, एक स्टेबल नोबल गैस का कॉन्फिग्रेशन अचीव कर लेगा। तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, इससे हमारा आ जाएगा 60/2 30। फाइन, अब हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं HCO3- का, दैट इज बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन कितना होता है 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 और वैलेंसी 1, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेबिलिटी है नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए। तो ये हमें दे देगा 61। फाइन, इसके बाद जो लास्ट हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH-। फाइन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 16, हाइड्रोजन है 1 और इसकी वैलेंसी कितनी है 1, क्योंकि यहाँ पे ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा 17। तो आपने सबकी एल्किनिटी निकाल ली। अब एल्किनिटी निकालने के बाद आपको मेन चीज़ ये याद रखनी है कि एल्किनिटी निकाल के इसका कोई फॉर्मूला होगा या कोई मेथड होगा जिसमें हम पुट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने अमाउंट ऑफ एल्किनिटी प्रेजेंट होती है एक वाटर सैंपल में, अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है या कोई भी अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ है जिसके कारण एल्किनिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो मैं लिखती हूँ एल्किनिटी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपको हमेशा याद रखना है कि हम एल्किनिटी कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में ही बताते हैं, इन mg/L। ये गिवन होती है बाय कंसेंट्रेशन ऑफ किसका, CO32- का जो कंसेंट्रेशन आपको क्वेश्चन में दिया होगा, इनटू आप इसको इक्विवेलेंट वेट भी बोल सकते हो, किसी किसी बुक्स में आपको कंबाइनिंग वेट दिया होगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इक्विवेलेंट वेट हो या कंबाइनिंग वेट हो वो दोनों सेम ही होता है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO32-। सिमिलरली बाकी के लिए भी हम लिख देंगे, प्लस मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, हम कंसेंट्रेशन ऑफ CO32- के बाद HCO3- इंटू इसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCO3-। फाइन, दो टाइप की हो गई है। थर्ड हमारे पास जो एल्किनिटी है वो है कंसेंट्रेशन ऑफ OH- इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH-। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, आप बोल सकते हैं कि जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं कि कितनी एल्किनिटी प्रेजेंट है। इसको आप जॉट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूले के थ्रू ही आपको क्वेश्चन में क्या होगा, अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन में क्या होगा, आपको कंसंट्रेशन दे दिया जाएगा। कंसंट्रेशन जनरली ये किस में देते हैं, mg/L में इसका कंसंट्रेशन रहता है, mg/L में इसका कंसंट्रेशन रहता है।
अब इसमें क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी पता है, ये सिर्फ कंसंट्रेशन आपको दिया रहेगा, इक्विलेंट वेट तो आपको ऑलरेडी पता है कैसे निकालते हैं। आपको पता है इक्विलेंट वेट कैल्शियम कार्बोनेट का कितना है, 50 है, फाइन। इक्विलेंट वेट CO3-2- का कितना है, हमारे को पता है 30 है। ऐसे आपको इक्विलेंट वेट HCO3- का 61 है, आप इसे याद करते जाइए साइमल्टेनियसली, ठीक है। और इक्विलेंट वेट इसका भी 50 है, सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पर 50 और इसका 17। तो आपको सबके इक्विलेंट वेट पता है, कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन में दिया होगा, हम mg/L में कंसंट्रेशन पुट करते हैं। इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर क्वेश्चन में आपको मान के चलिए सिर्फ CO3-2- की एल्केनिटी दी हुई है, तो आप वहाँ पर इसको HCO3- का पार्ट नहीं करेंगे कैलकुलेट और OH- का नहीं करेंगे। सिमिलरली आपको किसी भी दो की दी हुई हो तो आप थर्ड को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला है, या बोल सकते हैं क्योंकि एक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको नहीं भी दिया हो तो भी आपको तीनों को लेना है, फाइन। आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा आपको सिर्फ वही वैल्यूज को लेना है, CO3-2- दिया है, OH- दिया है, तो आपको HCO3- को नेग्लेक्ट कर देना है, फाइन। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, एल्केनिटी जो हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन mg/L। और एक चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पे देखिएगा कभी कभी मिली इक्विवेलेंट वगैरह भी दिया रहता है क्वेश्चन में, हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, तो आपको याद रखना है ये mg/L में होता है। अब मैंने जो एल्केनिटी के बारे में बताया, इससे आपको एक चीज़ और इन्फर करना है कि ये pH पे डिपेंड करता है, एल्केनिटी pH पे डिपेंड करता है, ये pH के साथ वेरी होता है, ठीक है। तो उसको हम पढ़ेंगे, पर उससे पहले जो मैंने एल्केनिटी का इंट्रोडक्शन दिया था उसको मैंने पॉइंट्स के फॉर्म में जॉट डाउन किया, आप इसको लिख लीजिए एंड मेक नोट्स फॉर इट। आई रीड दिस फॉर यू सो दैट यू कैन हैव अ क्विक रिविजन एंड यू कैन नोट डाउन साइमल्टेनियसली। फर्स्ट इज, एल्केनिटी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ आयन्स इन वाटर दैट विल रिएक्ट टू न्यूट्रलाइज हाइड्रोजन आयन्स, दैट इज द H+ आयन्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया। एल्केनिटी इज दस अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज एसिड, कितनी एबिलिटी होती है वाटर की वो एसिड की, वो एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर दे। एल्केनिटी जो मैंने अभी बताया CO3-2- के कारण कॉज होती है तो कार्बोनेट एल्केनिटी, HCO3- के कारण कॉज होती है तो बाइकार्बोनेट एल्केनिटी, OH- के कारण कॉज होती है तो कॉस्टिक एल्केनिटी। ये आपको याद रखना ज़रूरी है, कभी कभी अगर वो आपको क्वेश्चन में कंसंट्रेशन दिया बट उसने CO3-2- नहीं लिखा, उसके जगह उसने लिख दिया कार्बोनेट एल्केनिटी, आपको पता रहना चाहिए कार्बोनेट एल्केनिटी CO3-2- होती है, फाइन। इसके बाद जो माइनर सोर्सेज होते हैं HSiO3- HPO42-, ये भी आपको पता रहना चाहिए, बट इतना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए ये है, ये आपको पता रहना चाहिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब एल्केनिटी होती किसके कारण है, एल्केनिटी होती है ड्यू टू मिनरल्स के कारण, और ये प्रोड्यूस होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। जो रिएक्शंस मैंने आपको वहाँ पे समझाए थे वही रिएक्शंस मैंने अच्छे से लिख दिए, ये देखिए बाइकार्बोनेट एल्केनिटी मिल गई, कार्बोनेट एल्केनिटी मिल गई, कॉस्टिक एल्केनिटी मिल गई, तो ये तीनों एल्केनिटी हमको मिल गई। ये तो एल्केनिटी के बारे में हमने पढ़ा, अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो हमको पढ़ना है एल्केनिटी के बारे में, वो ये है कि एल्केनिटी किस किस pH पर काम करता है और कैसे उसका न्यूट्रलाइजेशन होता है। नाउ वील सी द रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ एल्केनिटिक स्पीसीज, एल्केलाइटी स्पीसीज वी कैन से आर pH डिपेंडेंट। हाउ, फर्स्ट वी हैव सीन दैट इन एक्स एक्सिस वी आर राइटिंग द ml ऑफ टाइट्रेंट, द अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट विच वील बी यूजिंग फॉर टाइट्रेशन, एंड द pH इन द y एक्सिस वील बी टाइट्रेटिंग एंड वील बी कैलकुलेटिंग द pH एट विच वी कैन सी द कलर चेंज। पी इज़ फॉर फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन जो होता है वो एक बेसिक इंडिकेटर होता है जो 8.6 से 10.3 के pH रेंज में वर्क करता है। इसका कलर चेंज जनरली ये कलरलेस होता है जो पिंक में चेंज होता है, किसी किसी बुक्स में आपको देखेगा कि ये येलो से रेड में चेंज होता है। मिथाइल ऑरेंज एक एसिड इंडिकेटर है, ये 2.8 के pH रेंज के अराउंड वर्क करता है, 2.8 से 4.4 तक के, ये जो होता है ये येलो से रेड कलर में चेंज होता है, फाइन। ये जो मिथाइल ऑरेंज है ये रेड कलर से येलो कलर में चेंज होता है, और जो हमारा फिनोफ्थलीन है वो कलरलेस से पिंक होता है, किसी किसी बुक्स में आपको कलरलेस की जगह येलो से रेड दिया रहेगा, फाइन। अब हम लोग बात करते हैं कि ये 8.3 और 4.5 pH हमने क्यों लिया, बट इससे पहले हम देखेंगे कि अगर OH- कंसंट्रेशन प्रेजेंट है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या क्या होंगे। देखिए जब OH- आयन प्रेजेंट होता है ये रिएक्ट करेगा H+ कंसंट्रेशन से वाटर में, ये रिएक्ट किया इसने फॉर्म कर लिया H2O, इसका मतलब
OH माइनस न्यूट्रलाइज हो गया। इसके बाद हम जब बात करते हैं CO32- की, ये भी रिएक्ट करेगा H प्लस के साथ और ये फॉर्म कर लेगा HCO3-, बट इसका अभी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, HCO3- अगेन रिएक्ट करेगा H प्लस से और ये फॉर्म कर देगा कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3। तो आपने देखा कि OH- जो है वो एक प्रोसेस में न्यूट्रलाइज हो गया, बल्कि जो CO32- कार्बोनेट एल्कनिटी था, इसको टू प्रोसेसेस लगे न्यूट्रलाइज होने में। फाइन, ये कब हुआ, जब H प्लस जो कंसेंट्रेशन प्रेजेंट है वाटर में। अब आपको देखना है कि हमने जब pH 8.3 का लिया, हमने फिनोफ्थलीन इंडिकेटर लिया, तो हमने देखा कि जब pH 8.3 था तब जो OH- आयन था वो तो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया, पर CO32- का आयन था, दैट इज जो कार्बोनेट एल्किनिटी प्रेजेंट थी, वो पूरी न्यूट्रलाइज नहीं हुई, क्योंकि ये तो दो स्टेप में न्यूट्रलाइज हो रही है, तो CO32- का हाफ ही न्यूट्रलाइज हो पाया। तो मैं क्या बोलूँगी यहाँ पे, कि यहाँ पे OH- तो पूरा न्यूट्रलाइज हो गया, प्लस हाफ ऑफ CO32- न्यूट्रलाइज हुआ, क्योंकि ये एक स्टेप का तो प्रोसेस है नहीं। इसके बाद क्या होता है, फिर जब आपने pH को और कम किया, 4.5 का pH लिया और मिथाइल ऑरेंज आपका इंडिकेटर है, इस केस में क्या हुआ, जो बचा हुआ CO32- था वो न्यूट्रलाइज हो गया और HCO3- दैट इज द बायकार्बोनेट एल्किनिटी जो प्रेजेंट थी वो न्यूट्रलाइज हो गई। आपको ये इसलिए याद रखना है क्योंकि क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा, एक तो फिनोफ्थलीन, एक मिथाइल ऑरेंज है। पहले आप एक बार और समझ लीजिए, 8.3 के pH में हाइड्रोक्सिल जो भी एल्किनिटी थी या कॉस्टिक एल्किनिटी थी ये पूरी न्यूट्रलाइज हो गई और हाफ ऑफ कार्बोनेट एल्किनिटी न्यूट्रलाइज हुई। जब pH 4.5 हुआ, इंडिकेटर था मिथाइल ऑरेंज, इस केस में आपकी जो बची हुई कार्बोनेट एल्किनिटी थी वो न्यूट्रलाइज हुई और बायकार्बोनेट एल्किनिटी न्यूट्रलाइज हुई। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, जब पी एम के इक्वल होगा, आपको कंसेंट्रेशन दे दिया जाएगा फिनोक्थिलीन मिथाइल ऑरेंज का या आपको इसका हाइड्रोक्सिल आयन का कॉस्टिक एल्किनिटी का कंसेंट्रेशन दिया जाएगा, आपको कैलकुलेट करके बताना है और कितना उसमें फिनोफ्थलीन या मिथाइल ऑरेंज यूज हुआ है, कि जब पी एम के इक्वल होगा तो कौन सी एल्किनिटी होगी, पी लेस देन एम बाई टू होगा तो कौन सी होगी, ग्रेटर देन एम बाई टू होगा तो कौन सी होगी, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। तो क्या होता है, जब पी एम के इक्वल होती है, पी लेस देन एम बाई टू होती है, पी ग्रेटर देन एम बाई टू होती है, पी इक्वल टू एम बाई टू होती है और पी इक्वल टू जीरो होती है। ये पांच केसेस होते हैं जो आपको पता रहना चाहिए कि इन केसेस में कौन कौन सी एल्किनिटी प्रेजेंट रहती है और कौन कौन सी स्पीशीज होती है जो इसको प्रीडोमिनेंट करती है। फाइन, ये पांच केसेस के लिए, पर पहले जो मैं आपको बताती हूँ कि इस केसेस में कौन कौन सी एल्किनिटी प्रेजेंट होती है, बट इससे पहले जो मैंने बोला आप ये रिएक्शंस नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि CO32- pH 8.3 पर ही क्यों पूरा न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता। फाइन, तो ये आपको पता रहना चाहिए कि उसको कार्बोनिक एसिड स्टेबल फॉर्म में बनना रहता है, क्योंकि HCO3- एक अनस्टेबल कंपाउंड है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप इसको पहले जॉट डाउन कर लीजिए। पर उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अभी जैसे मैंने बताया, जब P इज इक्वल टू एम होता है, यानी फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज का कंसेंट्रेशन इक्वल हो जाता है, तब जितनी भी एल्किनिटी होती है वो कॉस्टिक एल्किनिटी होती है। कौन सी एल्किनिटी होती है, कॉस्टिक एल्किनिटी। सिमिलरली अगर पी लेस देन एम बाई टू होता है, लेस हुआ एम बाई टू से, तो कौन कौन सी एल्किनिटी प्रेजेंट रहती है, कार्बोनेट और बायकार्बोनेट, और ग्रेटर हुआ तो कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्सिल, या तो हाइड्रोक्साइड आप बोल सकते हैं उसको, ठीक है। अब इसके बाद इक्वल टू एम, लेस देन एम बाई टू, ग्रेटर देन एम बाई टू, अगर इक्वल टू एम बाई टू ही, तो उस केस में जितनी भी एल्किनिटी प्रेजेंट रहती है वो होती है हमारी कार्बोनेट एल्किनिटी। आप न्यूमेरिकल्स करेंगे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और जब पी जीरो रहता है, यानी फिनोफ्थलीन बिल्कुल भी नहीं है, फिनोफ्थलीन नहीं है यानी बेसिक इंडिकेटर नहीं है, सिर्फ मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज एक एसिड इंडिकेटर है, उस केस में क्या होता है, आपको पता होगा कि कोई एसिडिक कंपाउंड होगा, यानी कि बाइकार्बोनेट एल्किनिटी प्रेजेंट होगी। फाइन, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो मैंने आपको बताया कि HCO3- 8.3 पे कंप्लीट हो जाता है, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता, इसलिए हम मान के चलते हैं कि हाफ ऑफ CO32- ही लिया जाता है,
ठीक है। तो ये जो है ये पूरे मैंने लिख दिया थ्योरी जो कि इस टाइट्रेशन से रिलेटेड है, आप इसको सम अप करके नोट्स बना लीजिए और ये जो है इसको आप नोट्स में इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है गेट में, फाइन। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि कौन कौन सी एल्किनिटी प्रेजेंट है। तो अब इसके बाद तो हमने एल्किनिटी की पूरी बात कर ली, उसको मेजर कैसे करते हैं, एल्किनिटी इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वो कैसे टाइट्रेंट्स यूज़ करते हैं, क्या क्या से इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, सब हमने डील कर लिया। अब एल्किनिटी के बाद हम बात करेंगे हार्डनेस की। फोर्थ हमारा है हार्डनेस। अब क्वेश्चन आता है कि ये हार्डनेस होता क्या है। हार्डनेस क्या होता है, कभी भी प्रेजेंस होता है मल्टीवेलेंट कैटायंस का, मल्टीवेलेंट कैटायंस जब भी प्रेजेंट होते हैं मेटालिक कैटायंस वाटर में तब हम बोलते हैं कि हार्डनेस है। हार्डनेस कैसे हो सकती है, हार्डनेस का मतलब क्या होता है, पहले आप ये सोचिए। कभी कभी हम बोलते हैं कि हमारे घर का पानी हार्ड है, आपने कभी सोचा इसका मतलब क्या होता है? नहीं, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। आप उस पानी से नॉर्मली वॉशिंग भी करते हैं तो जब आप हार्ड वाटर से वॉशिंग करते हैं तो प्रॉपर अमाउंट में लैदर प्रोड्यूस नहीं होता है, आपके जो भी पानी रहता है उसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ फोम प्रोड्यूस नहीं होता, तो हम बोलते हैं कि वाटर जो है वो हार्ड हो गया, फाइन। अब हार्ड वाटर को हम यूज़ नहीं करते जनरली, और स्पेशली बॉयलर्स वगैरह में हम नहीं यूज़ करते, नहीं तो स्केलिंग हो जाती है बॉयलर्स की, फाइन। तो अब हार्डनेस हम मेजर कैसे करें, हार्डनेस कितने टाइप्स की होती है, ये सब पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और हार्डनेस को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, फाइन। तो अगर हम बोले टोटल हार्डनेस, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है हमारा कार्बोनेट हार्डनेस और एक होता है हमारा नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, फाइन। तो एक हुआ हमारा कार्बोनेट हार्डनेस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। शॉर्ट फॉर्म के लिए यहां पे इसको टीएच लिख देती हूँ, टोटल हार्डनेस, कार्बोनेट हार्डनेस को सीएच और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को NCH। अब डिफरेंशिएट करना है कि कार्बोनेट हार्डनेस क्या होता है और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होता है। तो जो कार्बोनेट हार्डनेस होता है ये किसके कारण होता है, ये होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाई कार्बोनेट CO3-2- एंड HCO3-। कार्बोनेट्स और बाई कार्बोनेट्स जो होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयन्स के, उनके कारण जो प्रोड्यूस होता है इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट हार्डनेस। पहली बात आपको पता होना चाहिए कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का, इसके कारण हमको कार्बोनेट हार्डनेस मिलता है। अब कार्बोनेट हार्डनेस को आप और क्या बोलते हो, कार्बोनेट हार्डनेस को आप टेम्परेरी हार्डनेस भी बोलते हो। अब रीज़न है कि आप इसे टेम्परेरी हार्डनेस क्यों बोलते हो, आप कार्बोनेट हार्डनेस को टेम्परेरी हार्डनेस इसलिए बोलते हो क्योंकि ये सिंपल बॉइलिंग या आप लाइम यूज़ करते हो तो ये रिमूव हो जाता है, फाइन। तो रिमूव बाय सिंपल बॉइलिंग, या तो ये सिंपल बॉइलिंग से रिमूव हो जाएगा या फिर आप लाइम इसमें ऐड कर दोगे, एडिशन ऑफ लाइम, या अगर आप इसमें लाइम ऐड कर दोगे तो उस केस में भी आपका जो है कार्बोनेट हार्डनेस रिमूव हो जाएगा, इसीलिए ये हमारी टेम्परेरी हार्डनेस होती है। इसके बाद करते हैं हम नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्यों होता है, इस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स, क्लोराइड्स या नाइट्रेट्स जो भी आप बोलो उन सब के कारण, जैसे SO4-2- Cl- इन सब के कारण जो भी हमें हार्डनेस मिलती है उसको हम बोलते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस जो होती है वो एक परमानेंट हार्डनेस होती है। परमानेंट हार्डनेस हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नॉर्मली सिंपल बाय बॉइलिंग या लाइम के ऐड करने से नहीं जाती है, इसके लिए स्पेशल मेथड्स होते हैं लाइक आयन एक्सचेंज मेथड,
ठीक है, जियोलाइट प्रोसेस आप बोल सकते हो, जियोलाइट प्रोसेस और एक डीमिनरलाइजेशन। ये मेथड्स होती है जिनके थ्रू आप जो परमानेंट हार्डनेस होता है उसको रिमूव कर सकते हो। फाइन, तो इसीलिए टोटल हार्डनेस को हम टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं, क्योंकि ये बॉइलिंग और लाइम से रिमूव हो जाते हैं कि एडिशन ऑफ लाइम से। परमानेंट हार्डनेस को हमको इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट देना पड़ता है, इसलिए नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को हम परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि टोटल हार्डनेस को मेजर कैसे करते हैं। टोटल हार्डनेस के लिए हम मान के चलते हैं कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की स्पीशीज़ होती है वो प्रीडोमिनेंट होती है, और एक चीज़ कॉमन होती है एल्कलिनिटी और हार्डनेस में कि दोनों को हम इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ही मेजर करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टोटल हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन mg पर लीटर, ये क्या हो जाएगा? हम लोग ने क्या बोला, मैंने कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। फाइन, तो यहाँ पे हो जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ Ca2+ इंटू इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम कार्बोनेट का अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2+। सिमिलरली सेकेंड जो होगा वो हमारा Mg2+ के कारण होगा। सो कंसेंट्रेशन ऑफ Mg2+ इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg2+। ये बेसिकली हम लोग टोटल हार्डनेस में यूज़ करेंगे। जैसे हमने एल्कलिनिटी के लिए यूज़ किया था, यहाँ पर हम टोटल हार्डनेस के लिए ये यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि अगर आपको सिर्फ Ca2+ का कंसंट्रेशन दिया होगा तो आप Mg2+ नहीं यूज़ करेंगे, और अगर दोनों का दिया होगा तो ठीक है, ये यूज़ कर सकते हैं। फाइन, और अगर आपको किसी एक का भी नहीं दिया होगा तो आप वो वाला एलिमेंट, ये पूरा फॉर्मूले में आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। अब बात आती है इक्विवेलेंट वेट मैग्नीशियम का कितना होता है और इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम का कितना होता है, क्योंकि हमको सिर्फ एक बार इसको कैलकुलेट करना है, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको याद रहना चाहिए। जितने नंबर ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप करोगे नॉर्मली आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg2+, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हम लोग सॉरी मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट होता है मैग्नीशियम का 24। तो इसकी वैलेंसी कितनी है मैंने हमने देखी, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये नोबल गैस का कम कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, तो 24/2 12। अब इसके बाद हम बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का मॉलिकुलर वेट कितना होता है, 40, और ये भी कितना वैलेंसी है इसकी, दो। अगर ये दो दे देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स तो ये भी नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, तो यहाँ से कितना हो गया 20। तो इस फॉर्मूले में आपको पता कंसेंट्रेशन जो है वो Mg पर लीटर में होगा। फाइन, कंसेंट्रेशन Mg2+ का भी Mg पर लीटर में होगा। इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम कार्बोनेट का 50 होता है, हमने कैलकुलेट, हमको पता भी इससे पहले एल्कलिनिटी के केस में हमने कैलकुलेट किया था। Ca2+ का 20 होता है, Mg2+ का 12 होता है, और यहाँ पे कैल्शियम का 50। आपको ये सब चीज़ें तो पता रहती है, आपको सिर्फ कंसंट्रेशन दिया होगा, आपको उसको कैलकुलेट करना, इसमें पुट करना है फॉर्मूले में, आपको पता चल जाएगा कितनी टोटल हार्डनेस प्रेजेंट है। अब टोटल हार्डनेस पता चल गया, बट क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कितनी कार्बोनेट हार्डनेस प्रेजेंट है, कितनी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस प्रेजेंट है, तो उसको कैसे निकालेंगे, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं उसको कैसे निकालते हैं। अगर हमको बोला जाएगा कि कार्बोनेट हार्डनेस बताइए या नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बताइए, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले क्या देखा आपने, टोटल हार्डनेस आपने निकाला किसके कारण, एल्कलिनिटी आपने निकाला किसके कारण, HCO3- के कारण, OH- के कारण, CO32- के कारण। अब क्या होता है, अगर टोटल हार्डनेस लेस देन या इक्वल टू एल्किनिटी होती है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। अगर टोटल हार्डनेस लेस देन या इक्वल टू एल्किनिटी होती है, उस केस में
कार्बोनेट हार्डनेस जो होता है वो टोटल हार्डनेस के इक्वल हो जाता है। कब? जब टोटल हार्डनेस लेस देन या इक्वल टू एल्कलिनिटी होती है। अभी आपने देखा मैंने टोटल हार्डनेस को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक कार्बोनेट हार्डनेस और एक नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। फाइन, तो अब टोटल हार्डनेस तो किसके इक्वल हो गया, कार्बोनेट हार्डनेस के। तो इस केस में मेरी नॉन कार्बोनेट ये सी एच, सी एच कैंसिल हो जाएगा कार्बोनेट हार्डनेस, तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो उस केस में जिसमें टोटल हार्डनेस लेस देन इक्वल टू एल्किनिटी होता है, उस केस में कार्बोनेट हार्डनेस टोटल हार्डनेस की इक्वल हो जाती है और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस जीरो हो जाती है। अब सेकेंड केस, जब टोटल हार्डनेस एल्किनिटी से बड़ा हो, उस केस में क्या होता है? इस केस में ये होता है कि जो कार्बोनेट हार्डनेस होती है ये एल्किनिटी की इक्वल हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितना होगा, क्योंकि आपने देखा होगा नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको उस पता होना चाहिए टोटल हार्डनेस एल्किनिटी, उसे कार्बोनेट हार्डनेस आएगा तो आप नॉन कार्बोनेट हार्डनेस निकाल सकते हो। तो टोटल हार्डनेस कितनी हो गई, कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। टोटल हार्डनेस तो हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, कार्बोनेट हार्डनेस की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे एल्किनिटी प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। फाइन, और इस केस में नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितना हो जाएगा हमारा, टोटल हार्डनेस माइनस एल्किनिटी। तो ये हमारा हो जाएगा नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस के ऊपर दो तीन पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ, जिसके बाद हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स। नाउ आई हैव रिटन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द हार्डनेस, यू जस्ट नोट डाउन इन योर कॉपी, आई विल रीड इट फॉर यू। हार्डनेस इज डिफाइंड एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मल्टीवेलेंट मेटालिक कैटायंस इन सॉल्यूशन। सेकेंड पॉइंट, मल्टीवेलेंट मेटालिक कैटायंस मोस्ट अबंडेंट जो होता है नेचुरल वाटर में इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। थर्ड पॉइंट, अदर आयंस विच लीड टू हार्डनेस आर Fe2+, Mn2+, बट आर फाउंड इन मच स्मॉलर क्वांटिटी। इसका मतलब है बहुत सारे आयंस प्रेजेंट रहते हैं जो हार्डनेस कॉज करते हैं, जैसे आयरन का होता है, मैग्नीज का होता है, बट इनकी क्वांटिटीज बहुत स्मॉल रहती है। इसी कारण से जितने भी प्रैक्टिकल पर्पसेज होते हैं उसके लिए हार्डनेस क्या रिप्रेजेंट होता है, बाय द सम ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, इनके सम से ही हम हार्डनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है परमिसिबल लिमिट की, हम तो बोल रहे हैं कि ठीक है हार्ड वाटर को भी कंज्यूम कर सकते हैं, बट कितने लिमिट तक का हार्ड वाटर हम कंज्यूम कर सकते हैं? तो जो परमिसिबल लिमिट होती है हार्डनेस की वो होती है 75 से 200 ppm तक की। फाइन, और जो हार्डनेस अगर 75 ppm से कम है तो वो सॉफ्ट वाटर है, अगर ज़्यादा है तो वो हार्ड वाटर है, और इन दोनों के बीच के रेंज की है तो वो मॉडरेट वाटर है। तो ये आपको सॉरी पता रहना चाहिए कि जो हार्डनेस होती है उसकी रेंज 75 से 200 ppm तक की होती है। इसके अलावा आपको जस्ट फॉर यू, ये वैसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं एग्जाम में, गेट में आज तक कभी नहीं आया, बट फॉर यू टू नो जस्ट कि ब्रिटिश स्केल में अगर वो लोग कैसे हार्डनेस को मेजर करते हैं, 1 ppm ऑफ हार्डनेस उनका होता है 14.2 ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सिमिलरली फ्रेंच स्केल में 10 ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अमेरिकन स्केल में 17.15 ppm एज कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 1 ppm जो अमेरिकन स्केल में होता है। तो ये जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए था। तो अब हमने कंप्लीट कर लिया टोटल सॉलिड्स, pH, एल्किनिटी एंड हार्डनेस। एल्किनिटी हार्डनेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटल सॉलिड से क्वेश्चन पूछा गया है गेट में, और पीएच से भी क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद बात आती है प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स, जो कि हमारा फिफ्थ पॉइंट था जो हमें पढ़ना है। अब इसमें बहुत सारे केमिकल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, हमारा मेन मोटिव ये है कि अगर वो हमसे मैच द फॉलोइंग में जनरली ये क्वेश्चंस पूछ सकता है, पहला इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे क्लोराइड्स के बारे में। क्लोराइड एक केमिकल कंपाउंड है, हम बात करेंगे क्लोराइड के बारे में। तो क्लोराइड, पहली बात है ये क्लोराइड वाटर में आता कैसे है, और अगर ये आता है तो ये इंडिकेट क्या करता है वाटर में, इसकी परमिसिबल लिमिट क्या होती है, और अगर ये अपनी परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा प्रेजेंट है तो हमारे बॉडी के लिए क्या हार्मफुल हो सकता है उसके लिए।
फाइन, क्या होता है इसके परमिसिबल लिमिट में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या अगर इसके रेपरकशंस, मतलब अगर ये क्लोराइड प्रेजेंट है तो उसके कारण क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उस डिजीज के ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मैच द फॉलोइंग में, इसलिए हमको पता रहना चाहिए। अब हम जब बात करते हैं पहली प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स में, फर्स्ट क्लोराइड की, तो क्लोराइड तो पहली बात है मिनरल डिपॉजिट्स वगैरह के कारण, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के कारण प्रेजेंट रहता है। और अगर क्लोराइड किसी भी रॉ वाटर सैंपल में क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, इसका मतलब है वो सैंपल सीवेज के कारण या इंडस्ट्रियल वाटर के कारण पल्यूटेड है। और अगर ये पानी जो सीवेज या इंडस्ट्रियल वाटर से पल्यूटेड है उसको हम कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। फाइन, इसीलिए क्लोराइड का जो कंटेंट है हमारे नॉर्मल वाटर ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए वो 250 ppm तक होना चाहिए, 250 mg पर लीटर, मतलब एक लीटर पानी में 250 mg तक का क्लोराइड का कंटेंट परमिटेड है, उससे ज़्यादा क्लोराइड का कंटेंट हमको यूज़ नहीं करना है। फाइन, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है जो भी मैंने अभी आपको बोला, आप इसके नोट्स बना सकते हैं। आई विल रीड इट फॉर यू। क्लोराइड इन वाटर आर डिराइव्ड मोस्टली फ्रॉम नेचुरल मिनरल डिपॉजिट्स, एग्रीकल्चर और इरीगेशन डिस्चार्जेस। प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड इन हाई क्वांटिटी इंडिकेट्स पोल्यूशन ऑफ वाटर। ये आपको पता रहना चाहिए। प्रेजेंस उसका क्या इंडिकेट करता है? प्रेजेंस इंडिकेट करता है पोल्यूशन ऑफ वाटर। किसके कारण? ड्यू टू सीवेज के कारण या फिर इंडस्ट्रियल वाटर। और अगर ये प्रेजेंट रहा इंडस्ट्रियल वाटर या सीवेज के कारण, जो भी क्लोराइड प्रेजेंट रहा, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी हमको? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होंगे। क्लोराइड को हम एस्टिमेट कैसे करते हैं, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। हमसे टाइट्रेशन नहीं पूछेगा, बट अगर सिंपल मेथड पूछता है तो हमको पता होना चाहिए। क्लोराइड जो होता है वो एस्टिमेट होता है मोर्स मेथड से। इसमें जो रॉ वाटर सैंपल जिसका क्लोराइड कंटेंट हमको टेस्ट करना है, उसको हम किसके साथ टाइट्रेट करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट के साथ। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इस टेस्ट का नाम क्या है? मोर्स मेथड। टाइट्रेट किसके साथ करते हैं? स्टैंडर्ड AgNO3, मतलब सिल्वर नाइट्रेट के साथ। और इसमें हम लोग इंडिकेटर क्या यूज़ करते हैं? तो वो है हमारा पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तीन चीज़ें, मोर्स मेथड से हम इसको एस्टिमेट करते हैं क्लोराइड्स को, टाइट्रेट करते हैं स्टैंडर्ड AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं पोटेशियम क्रोमेट। परमिटिविटी वैल्यू जो हमारी क्लोराइड की होती है वो 250 ppm होती है, इससे ज़्यादा हम नहीं यूज़ कर सकते एक लीटर पानी में नॉर्मल कंजम्पशन के लिए, बिकॉज वी विल बी हैविंग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। इसके बाद हम बात करते हैं सल्फाइड कंटेंट्स या सल्फेट कंटेंट्स के बारे में। नाउ द सेकेंड विच वी विल बी डीलिंग इज विथ सल्फेट्स। सल्फेट्स अगर प्रेजेंट होते हैं किसी भी वाटर कंटेंट में बियॉन्ड इट्स परमिसिबल लिमिट, तो इसे क्या होता है? हमको लैक्सेटिव इफेक्ट होता है। लैक्सेटिव इफेक्ट का मतलब होता है कि आपको डिप्रेशन होने लगता है। अगर कोई वाटर कंटेंट है उसमें सल्फेट का जो कंटेंट है वो परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा है, तो आपको प्रॉब्लम्स लाइक लैक्सेटिव इफेक्ट हो सकता है, डायरिया हो सकता है। फाइन, इसीलिए जो इसकी सल्फेट्स की परमिसिबल लिमिट है वो 250 mg पर लीटर से ज़्यादा कंटेंट नहीं होना चाहिए एक वाटर सैंपल में। तो ये बात हो गई सल्फेट्स की। इसमें बस हमको ये याद रखना है कि इसका अगर ये कंटेंट ज़्यादा है तो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होंगे और इसकी परमिसिबल लिमिट। अब इसके बाद हमारे पास आता है लेड एंड आर्सेनिक। लेड एंड आर्सेनिक बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि इसको अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं। अब अभी समझ लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। लेड एंड आर्सेनिक का जो होता है, अगर उस वाटर कंटेंट में लेड और आर्सेनिक की क्वांटिटी है, अमाउंट प्रेजेंट है, तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होने लगेंगे। इसीलिए टॉक्सिन्स बहुत हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए लेड और आर्सेनिक का जो कंटेंट है वो ज़ीरो, मतलब बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं आयरन और मैग्नीज की। अगर आयरन और मैग्नीज प्रेजेंट है, लाइक आयरन की परमिसिबल लिमिट है 0.3 ppm, उसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मैग्नीज जो है वो 0.05 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी वाटर सैंपल में जो आयरन और मैग्नीज की क्वांटिटी इनसे ज़्यादा प्रेजेंट है, तो उससे क्या होगा, जो हमारे कलर, क्लोथ्स का जो कलर है वो फेंट होने लगेगा, डीकलराइजेशन हो जाएगा हमारे क्लोथ्स का, या फिर उसमें स्टेन्स फॉर्म होने लगेंगे। इसीलिए हमारे पास आयरन और मैग्नीज की भी हमने जो परमिसिबल लिमिट है वो फिक्स करके रखी है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्लोराइड्स की। तो फ्लोराइड्स के केस में क्या होता है, उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। दैट इज फ्लोराइड्स के केस में
क्लोराइड्स के केस में वैल्यू 1 से 1.5 पीपीएम होती है। ये वैल्यू इसी रेंज में होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 के जितनी है तो ठीक है, हमारे जो अगर पानी में फ्लोराइड का कंटेंट 1 पीपीएम तक का है तो ये हमको डेंटल कैविटी से बचाता है, फाइन। बट अगर अगर कंसेंट्रेशन 1.5 पीपीएम से ज़्यादा हो गया फ्लोरीन का, फ्लोराइड का कंटेंट वाटर सैंपल में, तो इससे क्या होगा, हमें जो इन्फेंट्स बेबीज़ होते हैं, ये एडल्ट्स में तो नहीं होता, उनकी मॉटलिंग ऑफ टीथ हो जाती है, येलोइश कलर फॉर्म हो जाता है, या हम बोल सकते हैं डीकलराइजेशन हो जाता है टीथ का, कब, जब फ्लोराइड का कंटेंट 1.5 ppm से ज़्यादा है। बट इसमें कौन इफेक्ट्स होते हैं, बच्चे इफेक्ट्स होते हैं, ना कि एडल्ट्स। इसके अलावा अगर 1.5 ppm से ज़्यादा होता है फ्लोराइड का कंसेंट्रेशन, तो उससे हमारी बोन्स वीक हो जाती है, दैट इज वीकनिंग ऑफ बोन्स टेक्स प्लेस, जिसको हम लोग बोन फ्लोरोसिस भी बोलते हैं, फाइन। तो ये जो वैल्यू है वो 1 से 1.5 ppm तक ही रहनी चाहिए। और अगर फ्लोराइड का कंटेंट आपको पता है किसी वाटर सैंपल में ज़्यादा है, तो आप डीफ्लोराइडाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि आप वाटर में से फ्लोराइड का कंटेंट रिमूव कर सकते हैं। डीफ्लोराइडाइजेशन, जैसे डीसैलिनाइजेशन होता है सैलाइन सॉल्टी वाटर को रिमूव करके नॉर्मल वाटर बनाना, वैसे फ्लोरीन कंटेंट को भी आप रिमूव कर सकते हो डीफ्लोराइडाइजेशन, उसके अलग अलग मेथड से जो हम बाद में पढ़ेंगे, फाइन। तो जो भी अभी मैंने कहा उसको मैंने लिख दिया है ताकि आप लोग इसे नोट डाउन कर सके, आई विल रीड इट फॉर यू। Presence of sulfates are due to industrial effluents and leads to laxative effect and diarrhea. Permitted value जो sulfates की होती है वो less than 250 ppm होती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं presence of lead and arsenic, तो lead और arsenic के कारण क्या होता है, accumulation of toxins present होते हैं, body accumulate हो जाते हैं toxins body के tissue में, तो इसकी permissible value कितनी होती है, nil, fine। इसके बाद हम जब ferrous और manganese की बात करते हैं, इससे क्या होता है, डीकलराइजेशन ऑफ क्लोथ्स हो जाता है, अपीयरेंस ऑफ स्टेन्स ऑन क्लोथ्स। परमिसेबल वैल्यू आयरन की लेस देन 0.3 ppm होनी चाहिए और मैगनीज की लेस देन 0.05 ppm होना चाहिए। इसके अलावा मेरे को एक चीज़ और बतानी थी आपको कॉपर के बारे में, अगर कॉपर प्रेजेंट है किसी भी वाटर क्वांटिटी में, उसकी वैल्यू बहुत कम लेते हैं हम, 0.05 से 1.5 ppm तक के लेते हैं हम इसकी वैल्यूज़, क्यों, क्योंकि अगर ये ज़्यादा प्रेजेंट होता है कॉपर की क्वांटिटी वाटर में, तो ये भी लंग्स और रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, फाइन। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ कॉपर इट्स लार्ज क्वांटिटी अफेक्ट्स लंग एंड रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स, लिमिट इसकी कितनी है, 0.05 से 1.5 mg पर लीटर। फिर आती है फ्लोराइड्स, फ्लोराइड्स का जो भी मैंने बताया आपको, अप टू 1 mg पर लीटर हेल्प्स टू प्रिवेंट डेंटल कैविटीज, एक्सेस वैल्यू जो होती है ग्रेटर देन 1.5 ppm रिजल्ट्स इन डीकलराइजेशन ऑफ टीथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉटलिंग ऑफ टीथ भी बोलते हैं। आपको जनरली ये डीकलराइजेशन ऑफ टीथ नहीं दिया रहेगा, मैच द फॉलोइंग में आपको मॉटलिंग ऑफ टीथ दे दिया रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए ये कब होता है, जब फ्लोराइड का कंटेंट 1.5 ppm से ज़्यादा होता है। इन्फेंट्स अफेक्ट होते हैं इससे, एडल्ट्स नहीं होते। ग्रेटर कंसेंट्रेशन फ्लोराइड का क्या करता है, कॉज करता है डिफॉर्मेशन ऑफ बोन, जिसको हम बोन फ्लोरोसिस भी बोलते हैं, इसीलिए इसकी परमिसेबल वैल्यू कितनी रखी है, 1 से 1.5 ppm। इसके बाद हम आगे के केमिकल कंपाउंड्स डिस्कस करते हैं, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नाउ अब हम बात करते हैं डिजॉल्व्ड गैसेस की, जो डिजॉल्व्ड गैसेस हैं जैसे कि H2S, CH4 या कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ये वाटर सैंपल में प्रेजेंट रहते हैं तो ये क्या हार्म करते हैं हमारे लिए। पहली बात है, अगर H2S प्रेजेंट रहा, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड अगर प्रेजेंट रहता है वाटर में, तो ये बहुत बैड टेस्ट आती है अगर आप उस वाटर को पीते हो, या फिर ओडर प्रॉब्लम भी होती है, दैट इज़ H2S इम्पैक्ट्स बैड टेस्ट एंड ओडर। CH4 एक एक्सप्लोजिव होता है, इसलिए हम इसे भी यूज़ नहीं करते, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी का हिंडर करता है, फाइन। इसीलिए ये तीनों को हम, या और भी जो डिजॉल्व गैसेज होते हैं, जनरली हम उसको यूज़ नहीं करते, इसीलिए जो इनकी परमिसिबल वैल्यू है वाटर में वो नील होती है, मतलब हमको ये जो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व गैसेज है ये हमारे वाटर सैंपल में नहीं चाहिए। इसके बाद बात आती है हमारे पास DO की,
दैट इज़ डी ओ शॉर्ट फॉर्म में डिजॉल्व ऑक्सीजन का। जब हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट पार्ट पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अभी आप समझ लीजिए कि रिवर में जितना, देखिए रिवर में कौन रहती है, फिशेज रहती है, फिशेज को भी फिशेज जो होती है वो भी ब्रीथ करती है थ्रू देयर गिल्स। उनका रेस्पिरेशन कैसे होता है, गिल्स से, तो उनको भी सर्टेन अमाउंट में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। तो ये ऑक्सीजन उनको कहाँ से मिलती है, इट इज़ द डिजॉल्व ऑक्सीजन डीओ जो कि प्रेजेंट होती है रिवर्स में, ठीक है। ये जो होता है सैचुरेशन डीओ का जो वैल्यू होता है वो 9.2 mg पर लीटर होता है। ये सब हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं आपको सीवेज ट्रीटमेंट पार्ट पढ़ाऊंगी। अभी बस आप याद रख लीजिए कि डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर रिवर वाटर में प्रेजेंट रहता है, क्योंकि हम रिवर का पानी ट्रीटमेंट करके पीते हैं, तो उतना ही अच्छे से वो जितने भी इसमें हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं उसको, उसकी रिकवरी कर पाती है। मतलब जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेज उसमें प्रेजेंट रहते हैं या जो भी गार्बेजेस रहते हैं उसको क्लीन कर पाती है रिवर, अगर उसके पास डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंट हो। तो अगर हमारे वाटर में भी डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट रहना चाहिए, बट उसकी क्वांटिटी जो है वो 5 से 10 PPM तक की होनी चाहिए, जो कि उसकी परमिसिबल वैल्यू है। इसके बाद हम बात करते हैं BOD की। ये आपको मैथ्स द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसकी परमिसिबल वैल्यू याद करनी है। मैंने लिख दिया है, अभी आप इसके बाद नेक्स्ट मैं उसको रीड कर दूंगी जो भी अभी मैंने आपको बताया। BOD का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि रिक्वायर्ड होता है फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के लिए, उसको हम बोलते हैं BOD, दैट इज़ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। हम चाहते हैं कि हमारे वाटर सैंपल में जो BOD हो वो बिल्कुल भी प्रेजेंट ना हो, निल हो। क्यों? क्योंकि अगर उसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा तभी हमको BOD की ज़रूरत पड़ेगी। ऑर्गेनिक मैटर अगर हमारे बॉडी, अगर हमारे वाटर सैंपल में प्रेजेंट है तो नेचुरली वो हमारे बॉडी को हार्म करेगा, फाइन। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो BOD का कंटेंट है, परमिसिबल वैल्यू, वो निल होनी चाहिए हमारे ड्रिंकिंग वाटर में। अब जो मैंने बताया, आई हैव जॉटेड इट डाउन हियर, यू कैन मेक नोट्स। डिजॉल्व गैसेज में जैसे CH4 की मैंने बात की थी, यूज़ होता है फॉर इट्स एक्सप्लोजिव टेंडेंसी। इसके बाद हम बात करते हैं H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, इम्पार्ट करता है बैड टेस्ट एंड ओडर। इसके बाद जो CO2 है होता है वो इंडिकेट करता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इम्पार्ट करता है बैड टेस्ट, और वाटर जो होता है वो कोरोसिव हो जाता है। परमिसिबल वैल्यू डिजॉल्व गैसेज की भी निल होती है, हम नहीं चाहते हमारे वाटर में कोई भी प्रकार का डिजॉल्व गैस हो। आफ्टर दैट DO, तो मैंने इसको अच्छे से और डिस्कस करेंगे जब हम लोग सीवेज पार्ट पढ़ेंगे। अभी इसकी परमिसेबल वैल्यू आप याद रख लीजिए 5 to 10 PPM होता है। इसके बाद हम बात करते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की। द अमाउंट और डिमांड ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, इसकी परमिसेबल वैल्यू कितनी है, निल, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे वाटर सैंपल में कोई भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हो। ये तो हमने बात कर लिया पूरे डिजॉल्व गैसेस DO BOD के। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है नाइट्रोजन रिलेटेड कंपाउंड्स। नाइट्रोजन के कंपाउंड्स जो प्रेजेंट रहते हैं उसके से भी हमको बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो पहले क्या है, इसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक हम बोलते हैं फ्री अमोनिया, दूसरा होता है हमारा ऑर्गेनिक अमोनिया, या आप इसको ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी बोल सकते हो। थर्ड होता है नाइट्राइट, और लास्ट होता है हमारा नाइट्रेट्स। ये सब नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं। अब आप देखो, फ्री अमोनिया क्या बताता है आपको, कि रीसेंट में आपके वाटर सैंपल में पोल्यूशन हुआ है। अगर फ्री अमोनिया का कंटेंट प्रेजेंट है, मतलब रीसेंट में आपके वाटर सैंपल में पोल्यूशन हुआ है, ठीक है। और आप इसको मेजर कैसे कर सकते हो, आप सिंपल क्या करोगे, उस वाटर को बॉईल कर दोगे और जो अमोनिया गैस लिबरेट होगी उसको आप डिस्टिलेशन प्रोसेस से मेजर कर लोगे। ये कब यूज़ करते हैं फ्री अमोनिया के लिए, जब हमको पता है कि रीसेंट में पोल्यूशन हो चुका है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक अमोनिया हम कब यूज़ करते हैं, ये डिकम्पोजिशन स्टार्ट होने से पहले जब हम यूज़ करते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बोलते हैं, या इसको हम एल्ब्यूमिनाइट भी बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्लस फ्री अमोनिया को अगर हम ऐड करते हैं तो हमको केजडाल नाइट्रोजन अमोनिया मिलता है, फाइन। ये आपसे गेट में पूछा गया है कि एडिशन ऑफ फ्री अमोनिया प्लस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की जगह आपको कॉम्प्लिकेट करने के लिए ये एल्ब्यूमिनाइट भी लिख देता है, तो आपको पता रहना चाहिए कि दोनों को ऐड करने से हमको केजडाल नाइट्रोजन अमोनिया मिलता है, फाइन। इसको भी हम मेजर कर सकते हैं, जो ऑलरेडी बॉइल सैंपल था फ्री अमोनिया का, हम इसको फिर से बॉइल कर देंगे, इसमें इंडिकेटर यूज़ करेंगे और उसके बाद हम फिर से क्वांटिटी ऑफ अमोनिया लिबरेटेड कैलकुलेट कर लेंगे, फाइन। फिर नाइट्राइट्स की बात आती है, ये नाइट्राइट बहुत डेंजरस होता है। क्यों?
क्यों ये बोल, क्योंकि इस टाइम डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो चुका रहता है, पार्टली डिकम्पोजिशन हो चुका रहता है, इसलिए ये बहुत खतरा होता है। हमको नाइट्राइट कंटेंट वाला पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए, चार ऑप्शन दे दिया और आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, तो वो नाइट्राइट हार्मफुल होता है। क्यों? क्योंकि ये पार्टली डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर को डील करता है, इसीलिए इसका जो परमिसेबल वैल्यू है वो निल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम इसको कलर मैचिंग टेक्निक के थ्रू निकाल सकते हैं नाइट्राइट को। फाइन, उसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रेट्स की। नाइट्रेट्स में क्या होता है, पूरा ऑक्सीडेशन हो चुका रहता है, पूरा ऑक्सीडाइज हो चुका रहता है हमारा ऑर्गेनिक मैटर, इसलिए हम इसके कंटेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे लिए डेंजरस नहीं होता। पर इसका कंटेंट 45 mg पर लीटर तक का ही होना चाहिए, 45 mg पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इसका कंटेंट 45 mg पर लीटर से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है गेट प्रीवियस ईयर्स में। अगर 45 mg पर लीटर से ज़्यादा होता है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम का सेकेंड नेम होता है मेथेमोग्लोमीनिया। इसका मतलब होता है कि ये प्रेग्नेंट लेडीज़ अगर इस वाटर को कंज्यूम करती है तो जो इन्फेंट्स बॉर्न होते हैं उनको ये डिजीज़ हो जाती है, दैट इज़ ब्लू बेबी डिजीज़ और ब्लू बेबी सिंड्रोम। फाइन, तो ये चीज़, चारों चीज़ें, इनके परमिसेबल लिमिट्स आपको याद रखना है। दोनों फ्री अमोनिया और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के एडिशन से हमको क्या मिलता है, नाइट्रेट्स का कंसेंट्रेशन कितना होना चाहिए। तो ये मैंने लिख दिया है, आप इसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, आई विल रीड इट फॉर यू। फर्स्ट इज़ फ्री अमोनिया। Free ammonia indicates recent pollution, can be measured by simple boiling of water and measuring the ammonia liberated by distillation process. Permissible value उसकी 0.15 mg per liter होती है। फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक अमोनिया की, या इसको albuminoid भी बोलते हैं। इंडिकेट्स क्वान्टिटी ऑफ नाइट्रोजन डिकम्पोजिशन स्टार्ट होने से पहले की, measured by boiling already boiled sample of water and adding strong alkaline solution like KMnO4 and measuring the ammonia जो liberate हुआ है। फाइन, इसकी परमिसेबल वैल्यू लेस देन 0.15 mg पर लीटर होती है। इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्राइट्स की। नाइट्राइट्स हमको बताता है इंडिकेट्स पार्टली डिकम्पोजिशन कंडीशन। यहाँ पे जो परमिसेबल वैल्यू होती है वो 0.3 mg पर लीटर होती है। अगर हम बात करते हैं फ्री अमोनिया की, फाइन, तो फ्री अमोनिया में लेस देन 0.3 mg पर लीटर होती है, और ऑर्गेनिक अमोनिया के केस में लेस देन 0.15 mg पर लीटर होती है। नाइट्राइट की बात करें तो इसकी परमिसिबल लिमिट निल होती है। नाइट्राइट इंडिकेट करता है पार्टली डिकम्पोज्ड कंडीशन को, बहुत ही डेंजरस होता है क्योंकि आधा डिकम्पोजिशन हुआ है, पूरा डिकम्पोजिशन भी नहीं हुआ है। मेजर्ड बाय कलर मैचिंग टेक्निक। कलर कैसे डेवलप होता है, सल्फोनिक एसिड प्लस नैप्थामाइन से। आपको सिर्फ ये याद रखना है इसकी परमिसिबल वैल्यू, और इंडिकेट करता है पार्टली डिकम्पोजिशन कंडीशंस। अभी तक गेट में नहीं पूछा गया है कि कौन से कलर कैसे डेवलप होता है। फाइन, इसके बाद बात करते हैं नाइट्रेट की। तो नाइट्रेट इंडिकेट करता है ओल्ड पोल्यूशन, मतलब फुली ऑक्सीडेशन हो चुका है। इसकी परमिसिबल वैल्यू लेस देन 45 mg पर लीटर होती है। अगर नाइट्रेट का कंटेंट 45 mg पर लीटर से ज़्यादा है तो इससे क्या होता है, ब्लू बेबी डिजीज़ या मेथेमोग्लोमीनिया होता है। आपसे ये पूछ सकता है कि नाइट्रेट सबसे ज़्यादा किसको हार्म करता है, तो आप बोल सकते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को। अगर जो नाइट्रेट का कंसंट्रेशन 45 mg पर लीटर से ज़्यादा है वाटर में, तो ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को हार्म करता है। इसको भी हम कलर मैचिंग टेक्निक से मेजर कर सकते हैं, दैट इज़ फिनॉल डाइसल्फोनिक एसिड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने पूरे अमोनिया के बारे में डील कर लिया, और मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ फ्री अमोनिया और ऑर्गेनिक अमोनिया का एडिशन हमको KGLR नाइट्रोजन अमोनिया देगा। फाइन, सो आई होप दिस नाइट्रोजन पार्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब मैं एक टैबुलर चार्ट बना के हम सबकी परमिसेबल लिमिट लिख देते हैं, उसको जॉट डाउन कर लेते हैं ताकि आपको चार्ट बनाने में ईजी होगा और आप उसे जल्दी याद कर पाएंगे। फाइन, सो लेट्स प्रोसीड टू दैट। देर हैज़ बीन अ स्मॉल मिस्टेक, जस्ट फॉर यू, जस्ट करेक्ट दिस। हियर फ्री अमोनिया कंसेंट्रेशन इज 0.15 mg पर लीटर परमिसेबल वैल्यू, एंड हियर फॉर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इट्स 0.3 mg पर लीटर। प्लीज़ मेक करेक्शन फॉर इट। नाउ वील सी द टैबुलर चार्ट सो दैट ऑल द थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड इन द केमिकल पैरामीटर्स वी कैन मेक अ चार्ट एंड नो द परमिसेबल वैल्यू। इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर। सो जस्ट मेक दिस नोट्स so that you can understand it. Total solids, इसमें से जो भी 15 हमने compounds लिए जिसके बारे में हमने discuss किया, इसके permutation combinations में आपसे match the following में पूछ सकता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। Total solids का concentration 500 से 1000 mg per liter, pH value 6.6 से 8.5, total hardness 75 से 200 mg per liter,
फेरस आयन यानी कि 0.3 ppm से कम, मैग्नीज भी 0.05 ppm से कम होना चाहिए, क्लोराइड कंटेंट 250 ppm से कम होना चाहिए, सल्फेट भी 250 ppm से कम होना चाहिए, फ्लोराइड का रेंज होता है 1 से 1.5 ppm तक। इसके साथ ही ज़्यादा होता है तो क्या होता है, 1 ppm से कम होता है तो क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कॉपर अप्रॉक्सीमेटली 0.5 से 1.5 ppm तक लेते हैं। लेड और आर्सेनिक का कंटेंट नहीं होना चाहिए। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन 5 से 10 ppm तक लेते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड नील होना चाहिए। फ्री अमोनिया लेस देन 0.15 ppm, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन लेस देन 0.3 ppm, नाइट्राइट्स का कंटेंट नील होना चाहिए, नाइट्रेट्स भी लेस देन 0.45 ppm। इसके अलावा जो सिक्स था हमारा, 16 था डिसॉल्व्ड गैसेस, इसका कंसेंट्रेशन भी नील होना चाहिए। डिसॉल्व्ड गैसेस भी वाटर सैंपल में प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए। सो ऑल दीज वेर द केमिकल पैरामीटर्स विच वी डिस्कस इन द क्लास। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू यू। वील बी सॉल्विंग सम न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू।